moving towards the other two classes of phylum Mollusca. उसे मैंने आपको बताया था about the three classes that we have to study. Bivalvia हो गया. Now Gastropoda and Cephalopoda. ये topic मैं थोड़ा थोड़ा combine करके पढ़ाऊंगा, फिर थोड़ा सा बाद में अलग करूंगा. तो जो basic चीजें हैं Gastropoda and Cephalopoda. तो जैसे नाम बोलता है, ये देखिए गैस्ट्रो. गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक या एब्डोमेन. पोडा मतलब फुट. सो यू कैन सी हियर दिस इज द फुट. ये जो फुट है ऑफ गैस्ट्रोपोडा इट्स नॉट अ सेपरेट एंटिटी. ये एक्चुअली इसका विसरल मास है, इसका पेट है जिस पे ये क्रॉल करके चलता है, इट्स वॉक्स ऑन इट. ओके, तो इट ऑल्सो हैज अ एक्सोस्केलेटन. इसको हम कॉन्च कहते हैं. क्या कहते हैं? कॉन्च. कॉन्च मतलब शंख. गैस्ट्रोपोडा इज इट ओरिजिनेटेड स्लाइटली बिफोर बायोलॉजी व्हेन इन द अर्ली कैम्ब्रियन. जो गैस्ट्रोपोडा है ये इट ओरिजिनेटेड इन द अर्ली कैम्ब्रियन. लेकिन It is not well preserved in fossil record. बहुत अच्छा इसका preservation नहीं मिलता. क्या reason है? Because the conch of gastropoda it is mostly made up of aragonite. Calcium carbonate is made up of aragonite. तो हम लोगों ने property पढ़ी है ना कि aragonite is easily destroyed when digestion happens. जब chemical weathering हुआ तो आसानी से खत्म भी हो जाता है. Still fairly good record of gastropoda is available in fossils. Hai record, lekin not as good as the bivalvia or trachea. Secondly, they are very long ranging. Till recent, early Cambrian, this is not an extinct group, extant group hai. So it ranges from early Cambrian to recent. Lekin the मैक्सिमम इवोल्यूशन एंड एडाप्टिव रेडिएशन जो इसमें हुआ इट हैपेंड ड्यूरिंग सेनोजोइक. सो इट ओरिजिनेटेड इन द पैलियोजोइक, अर्ली पैलियोजोइक. लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो हैबिटेट और इसके लाइफ स्टाइल्स में वेरिएशन आए इट अकर ड्यूरिंग सेनोजोइक. ठीक है, गैस्ट्रोपोडा इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इट शोज इवोल्यूशन इन terms of its body plan, or it ranges from aquatic to terrestrial environment. So iska jo habitat hai, the habitat is ranging from aquatic. Jab main aquatic kehta hu, it is both fresh water and marine, as well as it is terrestrial also. Hum log dekhte hai na, in rains, have you seen in rains? या कैंपस में देखिए, यू विल फाइंड दीज गैस्ट्रोपॉड्स मूविंग ऑन द रोड्स. नाउ कैन यू गेस व्हाट मेजर चेंज इट अंडरवेंट व्हेन इट चेंज इट्स हैबिटेट फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल? राइट, वेरी गुड. दैट व्हेन्स दे वर एक्वेटिक दे वुड हैव टू हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. होगा ना, बिना गिल्स के तो पानी में सांस नहीं ले सकते. लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल हो गए तो गिल्स का जरूरत नहीं. इट मींस दैट दे मस्ट हैव लर्न्ड टू ब्रीद और रेस्पायर विदाउट गिल्स. इट मींस दैट दे मस्ट हैव डेवलप्ड सम लंग लाइक ऑर्गन्स. लंग्स डेवलप हुए होंगे तभी तो जमीन पर आकर के सांस लेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा, अभी लोग देखेंगे गैस्ट्रोपोडा इट शोज टॉर्शन. व्हेन आई से टॉर्शन का क्या मतलब होता है? टॉर्शन में द बॉडी इज ट्विस्टेड. नॉर्मल, अंडर नॉर्मल प्लान इफ दिस इज अ गैस्ट्रोपोडा, ये इसका एंटीना है. सो दिस विल बी द माउथ एंड दिस विल बी द एंड्स, राइट? But this twisting or torsion, it happened in such a way that
the mouth remained here and anus it came over the mouth. इनका पूरा body ही twist हो गया evolution. अब क्यों twist होता है ये zoology की चीज है, हमें उसे लेना देना नहीं. लेकिन torsion की वजह से इनका जो conch है उसमें बहुत सारी changes हैं. ये हमारे लिए जानना जरूरी है. और torsion से इनको क्या help मिली होगी या torsion से इनको क्या डिफिकल्टीज हुई होगी, क्या नुकसान हुआ होगा, ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस करें, ठीक है. बट फर्स्ट लेट अस लुक एट अ प्रॉपर गैस्ट्रोपोडा कॉन्च. गैस्ट्रोपोडा कॉन्च इज दिस. अच्छा इसमें डू वी हैव दिस सेफेलोपोड्स आल्सो. ये देखिए दिस इज सेफेलोपोड. सेफेलॉन ये हेड है इसका विच टर्न्स इनटू फुट. तो गैस्ट्रोपोडा मतलब वॉकिंग, स्टमक एज द फुट, सेफेलोपोडा मतलब हेड एज द फुट. सो हाउ डज अ सेफेलोपोडा लुक लाइक. दिस इज अ सेफेलोपोडा, दिस इज अ गैस्ट्रोपोडा, दिस इज अ सेफेलोपोडा. ओके सो अगर इमेजिन करिए कि दिस इज द हेड और ये हेड ऐसे करके इस ओपनिंग से बाहर निकला. सो दिस इज द लिविंग. We have a few cephalopods still living. सबसे common example है Nautilus. It's a living fossil. This is the fossil of Nautilus. और Nautilus आज भी living है. ठीक है? धीरे-धीरे इसके details हम देखेंगे. Okay. So let us look at the a diagram of the conch of gastropod. So this will be better if you draw it with me. थोड़ा आपकी practice भी हो जाएगी. And then we will see how do they look like. Diagram is maybe dikha sakta tha main, but I'm avoiding that. So the if you remember Bivalvia and Brachiopoda, there were two valves. Remember, जो कि hinge से जुड़े हुए थे. So if the valves used to get closed, अगर valves बंद हो जाते थे तो उनके शेल में नो स्पेस वॉज रिमेन्ड ओपन, कोई स्पेस खुला नहीं था. लेकिन एक गैस्ट्रोपोडा और एक सेफेलोपोडा में देयर इज अ परमानेंट ओपनिंग जिसे हम कहते हैं अपर्चर. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ गैस्ट्रोपोड अपर्चर. दिस इज अ फॉसिलाइज्ड गैस्ट्रोपोड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोपोडा विच शोज सिनिस्ट्रल कॉलिंग फाइसा. ओके, इसे आप लोगों को करना है. तो इन द कॉन्चेस in the conch of of gastro and cephalopoda there is a permanent opening called as aperture jisse the body of the organism goes inside. To iska matlab ye hua ki as the growth of this conch takes place then there must be growth in size. This is unlike trilobites, wo apna ye apna shell change nahi kar sakte. तो अभी इफ दिस इज द एनिमल इट लिव्स हियर ऐसे करके व्हेन इट हैज टू गो इनसाइड इट विल रिट्रैक्ट इट्स बॉडी थ्रू द अपर्चर इनसाइड. ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हैं. दिस डायग्राम व्हिच आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट इज फ्रॉम अ वेरी फेमस एंड वेरी गुड बुक. ओके, start labeling it from the beginning. You get it, huh? This is the generalized conch. It's not that in every conch you will find all these features. Yes, I mean, you will find a few of them. But the general plan is like this. Okay. Or, abhi bana lijiye to fir main aapko usko ek shell ke saath conch ke saath dikhate hue batata hu.
ना कौन चेंज क्यों नहीं करते हैं? क्या कौन चेंज क्यों नहीं करते हैं? लाइफ टाइम फाइलोबैक्टर दे चेंज देयर बॉडी. ओके सो गुड गुड क्वेश्चन फ्रॉम दैट कैरेक्टर. ओके द गैस्ट्रोपॉड्स इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ द शेल दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो इट टू ग्रो द एंटायर शेल. सो अभी हम देखते हैं हाउ डू दे चेंज द इंटरनल स्कल्पचर ऑफ द शेल. तो आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. ठीक है विल वी स्टार्ट. ओके सो लाइक द अदर डे आई हैड टोल्ड यू दैट द गैस्ट्रोपोडल दे आर हेलिकली कॉइल्ड ए कॉइल्ड फॉर्म से. ऑफ कोर्स देयर आर अ वेरी फ्यू गैस्ट्रोपोडा रेयर व्हिच आर अनकॉइल्ड लेकिन मेजॉरिटी ऑफ गैस्ट्रोपोड्स आर कॉइल्ड. Once they are coiled, it means that they will be having a coiling direction. Coiling both. In the gastropod shell, two major parts, they are the spire and the body chamber. So this portion is the spire, S-P-I-R-E, spire. It red color dikh raha hai ki nahi? Black color. Spire and this is the body wall or body chamber of body. Body chamber. So how do we differentiate between the spire and the body chamber? Body chamber se kuch samajh mein aa raha hai? Ye kaisa chamber hai? Body chamber is that chamber. Is that portion of the conch जिसके अंदर एनिमल रहता है. The animal lives inside the body. So what is spire? If you look at this conch carefully, आप बाकी सब भूल जाइए. सिर्फ ये हिस्सा देखिए. The top conical part और नीचे का ये चौड़ा part. अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं, look at the aperture and the spire. तो स्पायर और स्पाइरल ठीक है इज दैट पोर्शन ऑफ द कॉन्च विच हैज स्टार्टेड टू ग्रो इन साइज व्हेन द कॉन्च वाज डिग्रेडेड. मतलब जब कॉन्च बन रहा था. अब आप इसको इसका एक क्रॉस सेक्शन देखो. आपको ये एक एक करके चेंबर्स दिख रहे हैं. कैन यू सी दीज चेंबर्स? अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे करूं तो ये जो लास्ट चेंबर है ये हॉलो है कि नहीं? इसको सीरियस दिस पेन वेंट कंप्लीटली इनसाइड. मतलब ये हॉलो है बट दिस पेन डिड नॉट गो इनसाइड दिस डिड नॉट गो इनसाइड दिस डिड नॉट गो इनसाइड दिस. अब मुझे एक बात बताओ, अगर एनिमल इज वेरी स्मॉल विल इट मेक दिस बिग चेंबर? ये शायद इस चेंबर में रहता होगा, है ना? इस चेंबर में रहता होगा. एंगल थोड़ा बड़ा हुआ, उसने क्या किया? और एक बड़ा चेंबर बना लिया और पिछले चेंबर को सील कर दिया. फिर और बड़ा हुआ, एक और बड़ा चेंबर बनाया, चेंबर को सील कर दिया. जब एडल्ट फॉर्म में आया तो उसे सबसे बड़ा चेंबर बना लिया. तो ईच वेरी लिसन वेरी केयरफुली ईच चैम्बर, इसको चैम्बर बोलते हैं. ईच चैम्बर ऑफ द स्पायर वॉज वंस अ बॉडी चेंबर. बात समझ में आई कि हमें इसके स्पायर में जो इसका स्पायरल हाइट है उसमें जो भी चेंबर क्रॉस सेक्शन, इसीलिए मैं लेके आया हूं ये कि आप ये समझ सके कि जो हमें इस स्पायर का चेंबर ये दिख रहा है इट वॉज वंस अ बॉडी चेंबर. क्योंकि एनिमल का साइज छोटा था तो इस चेंबर में रहता. So body chamber is that chamber in which the animal lives. और spire क्या है? Spire is the part. So since we are looking, अभी जैसे आपके देखो, is it not looking like a cone? So this coiling, the other day I told you, is called as trochospire or coney spire. ठीक है? So when we are looking at such a coiling, तो हमें एक स्पायर मिलेगा. ठीक ना? इसका जो स्पायर है, let us start to level its part. A
अब ये जो आप चेंबर्स देख रहे हैं ना एक एक करके, ये लो दिस चेंबर दिस चेंबर दिस चेंबर, दिस इज कॉल्ड एज वर्ल वर्ल बिकॉज इट्स गोइंग इन अ सर्कल. वर्ल्स आप किसी और लिविंग एंटिटी में बताइए वर्ल्स जो आपने देखा, फ्लावर वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर देखा है ना, एक इसे रोज फ्लावर है उसके एक राउंड में कुछ पेटल्स, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड सम पेटल्स, नेक्स्ट वर्ल्ड सम पेटल्स. सिमिलरली इन दिस दीज आर ऑल वर्ल्ड्स राउंड. एक बार एक चैम्बर बना, फिर दूसरा चैम्बर बना, फिर थर्ड चैम्बर बना, लाइक दिस. ठीक है, ओके. सो दीज आर ऑल वर्ल्ड्स ऑफ द, सो दिस इज न्यूक्लियर वर्ल्ड, मतलब सिंगल वर्ल्ड है न्यूक्लियर वर्ल्ड. So we are looking at the conch, okay? The conch, if you look here carefully, it has different types of surface structures or surface sculptures. देखिए कुछ के सर्फेस पे ऐसे आपको रिब्स मिलेंगे, कुछ के सर्फेस पे आपको ऐसे डॉट्स मिलेंगे, कुछ के सर्फेस पे you will be finding this ये सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक स्ट्राइएशंस मिलेंगे. सो दीज आर कॉल्ड एज द सरफेस स्कल्पचर एंड देयर आर सेवरल ऑफ देम. दिस इज अ वेरी क्वालिटेटिव टर्म. अगर पिट्स हैं तो पिटेड स्कल्पचर, अगर फाइन लाइंस हैं तो स्ट्राइएशंस, और अगर थिक लाइंस हैं तो उसे हम बोलेंगे रिब्स, उससे ज्यादा मोटी है तो कॉस्टे. ठीक है, सो लेट अस लुक एट दिस. सो इफ दिस इज हियर, this can be called as pitted sculpture. Then these are spiral striations. Then this is the beaded sculpture. Dekh rahe hain aap, these are all types of ornamentations sculpture. Then this is reticulate sculpture. These are, ये जो देखे मोटा वाला, this is costae, costae. So if it is a fine line, this is striation. इससे थोड़ा मोटा हुआ, it is called as ribs. और अगर बहुत मोटा हो गया, as compared to this, it is called as costae. Single is costa, middle is costae. Okay? Now, what is a suture line? Which joins the body. Which joins two surfaces. So here, each one is joined to another one. हर चीज़ उसके chamber से जुड़ा है. So ये line, ये वाली, ये, this one. This one, they are all sutures. So, can we find sutures here? We can see, this is the suture. Ye, all these are sutures, okay? Then these are spiral ridges. These, they are spines. Like murex. Murex ka naam suna hai? Matlab practical mein dekhenge. It has got several spines on its body. These fine lines, they can be called as spiral threads. So ye kya hai ye sara kuch? Yahan se. These are all these surface ornamentations. Isko bhi mita deta hoon striations. These are all ornamentations. Now, for us, ornamentations may look beautiful, but for them, they are the protective mechanisms. Heavily ornamented shell. Matlab, the shell is being made stronger. Jab shell ko strong karte hain, ornamentations se uska kya matlab hai? To withstand the water pressure. अगर एक स्मूथ शेल है तो उसको देख के समझ में आता है ना कि ये लो वाटर प्रेशर में होगा, मतलब इट वुड हैव बीन अ शैलोअर ड्वेलर, शैलो वाटर ड्वेलर. और अगर हैवीली ऑर्नामेंटेड शेल है तो डीप ड्वेलर. क्लियर हुआ ना? सो दिस इज हाउ वी कैन
correlate the surface ornamentation. हम लोगों ने देखा था बाइवॉल्विया में जैसे जैसे ornamentation बढ़ता जा रहा था उसका जो depth of living है वो बढ़ रहा था. Okay. तो हमने ये देखा कि स्पायर में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है. Now, let us come to the body wall or body chamber. This is called as node. यहाँ पर आकर के aperture जो है वो जुड़ता है. Can you see these nodes? ये देखिए, this is aperture. या इधर से देखते हैं. If this is the aperture, these will be the nodes. यहाँ पर आकर ये वाला portion. Now, this aperture is an elongate aperture. Aperture के बहुत सारे shapes हो सकते हैं. We'll see later. Now, the aperture it has two lips, outer lip, inner lip. Okay. So this portion is called as the outer lip. और ये वाला जो portion है, it is called as the inner lip. अब outer lip और inner lip में भी बहुत सारे parts हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश नहीं करूँगा. You have the parietal shield, parietal lip नहीं. ये जो portion है, this folds. Can you see these folds and this fold? This is called as the columellar part. Columellar part. ये जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, this hollow blank space, this space is the aperture. Okay. So if you look here carefully, look at the different types of apertures. इसमें देखिए, look at this aperture, very narrow elongate aperture, है ना? Look at this aperture, it's a wide open aperture but elongate. और इस aperture की खास बात क्या? Outer lip is modified into spines, ठीक? Look at this aperture, a very small rounded aperture. इधर आप देखिए. Aperture, elongate aperture, smaller aperture. आ रहा है समझ में? Alright. सर different different क्यों होते हैं? हाँ? Different क्यों होते हैं? हम सबका body shape अलग अलग है. These are all different genera जिन्होंने अपने हिसाब से modifications किए हैं. ठीक है? तो depending on their genetics, depending on the way they have lived and evolved, उनका aperture का size अलग अलग है. ठीक है? Some gastropoda they also have siphons. ये देखिए. तो याद करिए बाइवॉल्विया साइफन होगा तो क्या होगा? बरोवर सुनोगे. इसका मतलब ये है कि अगर ये साइफन है तो ये दिस कुड आल्सो बरो, कुड बी इनफोनल. अगर साइफन होगा तो उसको निकालने के लिए जगह भी चाहिए. तो दिस इज कॉल्ड एज साइफोनल कैनाल. साइफोनल कैनाल, इज इट ओके? समझ में आया ये? So this is the generalized diagram of a gastropod pouch. Now, एक चीज तो आप सब लोग समझते होंगे कि this pouch did not become big like this. It started with a small part, है ना? The first formed part of this shell, proto pouch. Very good. So we can assume that ये कहीं यहां पर ऐसा था. This was the protoconch. फिर एक के बाद एक. Now imagine that this animal was very small. वो इसी में रह सकता था. तो ये उसका body chamber होता है. अब ये animal थोड़ा बड़ा हो गया. तो इसने क्या किया? अपना बढ़ा दिया shell का size. अब ये इसका body chamber हो गया और इसने इस कॉन्च इस चेंबर को सील कर दिया. इट सील्ड ऑफ दिस चेंबर विथ अ सेप्टा. सेप्टा व्हाई डिड इट सील इट ऑफ? अगर ये सील्ड ऑफ नहीं होता तो ये बहुत भारी हो जाता. एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड दीज चेंबर्स टू मेक दिस बॉयन. वी नो दैट एक्वाटिक गैस्ट्रोपॉड्स कैन स्विम या दे कैन फ्लोट, राइट? तो अपने इतने भारी शेल की बायोंसी को मेंटेन करने के लिए दे हैव सील्ड ऑफ दिस. You read the term columella. What is columella? When we have to make a building, what is the first thing that we should make? Pillars.
बेसमेंट फाउंडेशन बेसमेंट फाउंडेशन राइट. हाउ अ शेल विल और अ कॉन्च विल लुक लाइक डिपेंड्स ऑन इट्स कॉलिमेला. ये देख रहे पोर्शन ये वाला, दिस इज द कॉलिमेला. और इधर से देखना है तो और अच्छे से देखिए, ये जो बीच का सेंट्रल पोर्शन देख रहे हैं ना, दिस इज द कॉलिमेला. कॉलिमेला इट विल डिसाइड हाउ Columella will decide how the shell will look like. Understood? All right. The gastropods, they show various types of columella. So it has got a longer columella. If I show the columella of this gastropod, it will be slightly curved. Look at the shape. If you look at this columella of this Turritella, it will again be elongated columella. Hoga ki nahi hoga? So, shape kaisa hai shell ka, wo decide hoga kis se? Columella se. Aur columella kaise decide hoga? Body plan se. Body plan kaun decide karta hai? Genetics uska decide. Understood? Alright. Now, the other day we had talked in detail about the type of coiling, but I'd like to explain that again. Look at this coil. तो ये डायग्राम सबको समझ में आ गया ना? This is how gastropod conch will look like. Protoconch से नीचे की तरफ पढ़ते चलिए, you will get the entire shell. अच्छा एक चीज और है. If keep it in mind, if this is a trochospiral shell, trochospiral coiling, जो कि कोन के जैसे दिखाई देती है, तो it must be having some direction. जैसे brachiopoda में हमने देखा था pedicle wall and brachial wall, but in bivalve wall we had the right wall and left wall. Can you guess what is the coiling direction of this? See, there are two types of coiling directions. It's sinister and dexter, right? Left-handed, right-handed, या clockwise, counterclockwise. तो ये जो gastropod shell है, इसका जो coiling है, वो कैसे पता करें? ठीक है? इसको पता करने का तरीका यह है कि वी विल लिफ्ट द गैस्ट्रोपॉड शेल और इसके अपर्चर को अपने फेस की तरफ रखिए. अगर हमें कॉइलिंग पता करनी तो सबसे आसान तरीका क्या है, मैं वो बताता हूं. ठीक है, इसके अपर्चर को अपने फेस की तरफ रखिए. अगर इसका अपर्चर आपके राइट हैंड साइड आ रहा है तो ये डेक्स्ट्रल या क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, राइट हैंडेड. और अगर इसका जो अपर्चर है देखिए वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है तो ये क्या होगा? सिनिस्टर कॉइलिंग होगी. राइट, दिख रहा नहीं है? अपर्चर इज कमिंग टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड. अगर आप ये फाइसा को आपके फेस की तरफ में करूं तो इसका अपर्चर आपके किस हैंड की तरफ आ रहा है? लेफ्ट हैंड या राइट हैंड? लेफ्ट हैंड. अब देखिए जो मैंने ये बताया लेफ्ट और राइट, उसे कैसे प्रूव करेंगे? होल्ड दी स्पायर और आपको ये नहीं समझ में आ रहा ये ऐसे करके कॉइल्ड हुआ है, इसको नहीं समझ में आ रहा. इज इट क्लियर? लुक एट दी स्पायर, इसका स्पायरल साइड है ना, दिस इज गोइंग लाइक दिस. सो इट इज गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब क्लॉकवाइज तो मतलब डेक्सटर. लुक एट फाइसा का अपर्चर इधर आने के लिए you will have to do coiling like right to left. So the coiling can be like this, or coiling could be like this. So this is called as dextral coiling, it is called as sinistral coiling. Samajh mein aaya? Any confusion till now? Aage chale. फिर हमने बात की थी उस दिन हाई ट्रोपोस्पायरल और लो ट्रोपोस्पायरल. हाई और लो का क्या मतलब है? हाई ट्रोपोस्पायरल का मतलब होता है कि द हाइट ऑफ स्पायर इज टू मच. जैसे ये शेल देखिए, इसको देख कर ये इज अ फॉसिलाइजेशन, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज द अपर्चर. तो जिस चैम्बर में अपर्चर होता है वही चैम्बर बॉडी चैम्बर होता है. इतना सबको समझ में आता है?
तो अगर चेम्बर इधर है तो पॉसिबली ये इसका बॉडी चेम्बर होगा, तो इसका स्पायर देखिए कितना ऊंचा है। अगर इसका स्पायर इतना ऊंचा है तो इसका एपिकल एंगल एक्यूट होगा कि ऑब्लिक्स होगा? एक्यूट होगा ना, तो दिस इज अ हाइड्रोपोनिक स्पायर। लेकिन ये देखिए, अब इस केस में स्पायर इज टू स्मॉल, क्योंकि इधर अपर्चर है तो ये वाला चेंबर इज द बॉडी चेंबर, सो ओनली दिस स्मॉल पार्ट इज द स्पायर। अगर स्पायर की हाइट छोटी है तो इसका जो एपिकल एंगल है वो कैसा होगा? दिस इज लो टू स्पायर। सो इफ योर क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई एंड लो ट्रोपोस्पाइरल शेल, तो उसका होगा कि हाई ट्रोपोस्पाइरल शेल हैज अ लॉन्ग स्पायर एंड एपिकल एंगल इज एक्यूट, व्हाइल अ लो ट्रोपोस्पाइरल शेल हैज अ स्मॉल स्पायर एंड इट्स ऑब्ट्यूज। ठीक। अच्छा एक चीज और है कि द शेल और द कॉन्च ऑफ गैस्ट्रोपोडा इट इज मेड अप ऑफ एरागोनाइट कैल्शियम कार्बोनेट, बट हाउ दिस अपर्चर इज क्लोज्ड? जैसे हमने देखा था व्हेन देयर आर टू वॉल्स व्हाट डू दे गो इनसाइड एंड दे क्लोज द वॉल, बट व्हेन वी आर लुकिंग एट द गैस्ट्रोपॉड शेल्स एंड द एनिमल गोज इनसाइड दिस, इसके अंदर चला गया, देयर शुड बी सम कवरिंग, नो उसको होगा जो कि इसको पूरा बंद करके रखे। सो द गैस्ट्रोपॉड्स दे हैव अनदर स्ट्रक्चर अटैच्ड टू देयर बॉडी व्हिच इज कॉल्ड एज ओपरक्यूलम। ओपरक्यूलम, व्हाट इज ओपरक्यूलम? आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ओपरक्यूलम विद मी। सी दिस इज एन ओपरक्यूलम। ऑलवेज रिमेंबर ओपरक्यूलम is not a part of the shell. Operculum is a part of the animal's body. Operculum kya hai? It is a part of the animal's body. Toh hota kya hai? Suppose that this is the animal. Pay attention. This is the animal. The opercula will be attached to the posterior part of the animal. Animal has now got inside the shell and it will close the aperture with this operculum. Yes. आप लोग को ये बहुत मिलता होगा बीचेस में, right? Operculum. Operculum is a part of the animal's body, which means that when the animal will die, it will remain free. इसीलिए आपको fossilized shell के साथ बड़ा ही rarely मिलेगा। ये ऐसे करके बीच में खूब ढेर सारा बिखरा रहता है। It's left in the open. Why? Because once the animal has died, its body has decomposed, it remains out. Why? Because it is made up of organic material. It's conchiolin. जिससे ये बनता है, तो ये इतना जल्दी destroy भी नहीं होता है। तो आप एक बात को समझते हैं ना कि इतने लंबे aperture के लिए ये छोटा सा operculum तो नहीं हो सकता। So the shape of the opercula will also be decided by how the shape of aperture is. ठीक? और नॉर्मली ओपरक्यूलम का जो कॉइलिंग है वो उल्टा होता है शेल की कॉइलिंग से। सो इफ द शेल इज डेक्सटरली कॉइल्ड, ओपरक्यूलम इज नॉर्मली दी सिनिस्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिमल हैज गॉट टॉर्शन, उसका बॉडी ट्विस्टेड है, तो अंदर जब जाएगा तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोज करता है। तो उसमें फिट होने के लिए द ओपरक्यूलम नॉर्मली हैज अ डिफरेंट कॉइलिंग देन द जो ओपरक्यूला का कॉइलिंग है वो नॉर्मली, जैसे अगर ये डेक्सटरली कॉइल्ड है तो ओपरक्यूला नॉर्मली सिनिस्टरली कॉइल्ड होता है ताकि वो उसको इजीली बंद कर सके। अगर इसका कॉइलिंग इसी टाइप से हुआ, अब जैसे मान लो सपोज दैट दिस इज द ओपरक्यूला, इसे बंद करना है, अगर इसका कॉइलिंग इसी डायरेक्शन में होगा तो वो ऐसे करके बाहर की तरफ खुला रहेगा, लेकिन इसको फिट करना है तो इसको उसके उल्टा कॉइल होना जरूरी है। इसीलिए ओपरक्यूला का कॉइलिंग इज रिवर्स टू द पता चल गया।
हाँ बिल्कुल पता चल जाएगा ना, ये देखो अपर्चर का पोजीशन आपके राइट हैंड की तरफ आ रहा है तो ये राइट कॉइलिंग है, अपर्चर का पोजीशन आपके लेफ्ट हैंड पे आ रहा है तो ये लेफ्ट कॉइलिंग है। इंटरेस्टिंगली जब ये शेल्स मैंने यहाँ लोकल अमर कंटक से खरीदा और मैंने उनसे बोला कि मुझे राइट हैंडेड शेल चाहिए, दे गिव मी अ सिनिस्टर शेल, उनके हिसाब से ये लेफ्ट कॉइलिंग है, बट ये लोकल लैंग्वेज उसे आप गाइडेड मत होइएगा। इन पैलेंटोलॉजी व्हेन वी स्टडी द शेल्स दिस इज अ राइट हैंडेड शेल एंड दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड, सो दिस सिनिस्टर डेक्स्टर, ठीक है, क्लियर हुआ। So we have understood now the different types of coiling patterns in this. So if we compare a planey spiral shell with a troco spiral shell, देखिए, this shell is planey spiral. एक plane में, इसमें translation नहीं हो रहा है, इसमें only along the horizontal movement growth हो रहा है. So it has got no spire. But this is got a spire because it is a troco spire. Clear? अच्छा एक चीज और देखिए, if we compare these two, they both have troco spiral shells. This is Curitella, this is Cypraea. मुझे एक बात बताइए, इनमें आपको कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Can you find cite some difference? बोलते ना कि इन दोनों चित्रों में अंतर के लिए coiling नहीं मतलब कैसे कहो कि this is a ये जो है डेक्सटर कॉइल है मिस्टर, अपर्चर दिख रहा है, अपर्चर फेस की तरफ या किस हैंड की तरफ आ रहा है? राइट हैंड। तो ये डेक्सटर कॉइल है किस मिस्टर, इसका अपर्चर ये है, ये हमारे राइट हैंड की तरफ आ रहा है डेक्सटर। सो दे बोथ आर डेक्सटरली कॉइल शेल्स, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ऊपर से नीचे तक ओपन है, ऊपर से नीचे तक ओपनिंग है, ओपनिंग का मतलब सर ये अंदर से कॉइलिंग, अंदर से कॉइलिंग इंटरनल कॉइलिंग नहीं, आउटर सपोज सर ओनली बॉडी वुड, वेरी गुड एक्सेलेंट आंसर, इस केस में ओनली बॉडी वॉल इज विजिबल, केवल बॉडी वॉल विजिबल है इस केस में। देखिए आपको अपर सॉरी स्पायर और बॉडी वॉल दोनों दिख रहा है, इस केस में आपको स्पायर और बॉडी वॉल दिख रहा है, इस केस में यू आर सीइंग द स्पायर एंड द बॉडी वॉल, बट इन दिस केस द कॉइलिंग इज सो टाइट दैट द बॉडी वॉल हैज कवर्ड द स्पायर। देखिए इस केस में द बॉडी वॉल हैज कवर्ड द स्पायर, सो इट इज अ लूजली कॉइल्ड शेल, इट इज अ टाइटली कॉइल्ड शेल। अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं इसका स्पायर आपको दिखने लगेगा। Sometimes this ये तो fossilized shell नहीं है, this is just a conch. Cypraea which is preserved in the fossil record, if it gets slightly weathered, you can be easily seeing its spire. So since the body wall is so big that it has covered this spire, इसका देखिए aperture कैसा हो गया? Canal like narrow elongate aperture. और we have got this notch over here, siphonal notch, इधर से. समझ में आ रही है ना बात? सो दिस इज द टाइप ऑफ कॉइलिंग विच वी आर सीइंग इन दीज गैस्ट्रोपॉड्स। लुक एट द डिफरेंट शेप्स ऑफ गैस्ट्रोपॉड, द शेप्स ऑफ गैस्ट्रोपॉड, यू विल गेट द ऑल दीज फॉर्म्स इन योर प्रैक्टिकल्स, आपको करना है। पैटेली फॉर्म, पैटेला, पैटेला एक जीनस है जो कि पैटेली फॉर्म मतलब कोनिकल है बट उसके अंदर आपको कॉइलिंग समझ नहीं आएगी, इट इज कोनिकल नो बट हेलिकल कॉइलिंग इज नॉट विजिबल हियर, पैटेली फॉर्म। कॉन्वोल्यूट, ये देखिए दिस इज कॉन्वोल्यूट, बिल्कुल टाइटली कॉइल्ड एंड एलॉन्गेट, ठीक। You have digitate, the outer limb is modified into spines. Digitate, digits का मतलब जैसे even these are all digits, elongated structures. तो ये digitate shell. जबकि shell is modified into such spines. Turbinate, turbo. ये example I forgot to bring, मैं आपको दिखा दूँगा. Turbinate.
आपको ऐसा अगर कहा जाए, अगर इस शेल को मैं ओपन करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, एक पाइप है, इसको मैं ऐसे मोड़ करके खोल दिया। टर्बिनेट इज ट्यूब लाइन। जब आप टर्बो देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, टर्बो दैट वर्ड हैज कम फ्रॉम टर्बिनेट। देन टरेटेड, ये देखिए दिस इज अ ट्यूरेटेड शेल, टरेट्स, कैन यू सी दिस इलोंगेट स्ट्रक्चर्स को टरेटेड, ट्यूरिटेला। तो आप लोग नाम भी दे सकते हैं, प्यूपी फॉर्म, आप लोगों ने देखा है जो वुडन सिलेंडर्स बनाए जाते थे प्यूपा, जिसमें सामान तेल वगैरह स्टोर करते थे प्यूपा, सो प्यूपी फॉर्म एग्जांपल इज प्यूपा। और बाइकोनिक, ये देखिए दोनों तरफ से कोन जैसा लग रहा है कि नहीं, इसको बाइकोनिक या ऑबकोनिक भी बोलते हैं, एग्जांपल कोनस। तो मैं सबका एग्जांपल इसको लिख देता हूं, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया पैटेला, इसका एग्जांपल हो गया साइप्रिया, इसका एग्जांपल हो गया म्यूरिक्स, म्यूरिक्स लिख सकते हैं, बट दिस इज, इसका एग्जांपल हो गया टर्बो, इसका एग्जांपल हो गया ट्यूरिटेला, इसका एग्जांपल हो गया कोनस, और इसका एग्जांपल हो गया प्यूपा, और इसका एग्जांपल हो गया बेलेरोफॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं बाय गिविंग एग्जांपल। तो एक क्वेश्चन अगर आया, डिस्कस द वेरियस shapes of a gastropod conch, giving one example of each and a diagram. So this is one full answer. The diagram is full answer. Okay? इसका example मुझे इसको देखिए। इसका सबसे अच्छा example है Lambus। नहीं, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा था अभी। Lambus। This is Lambus। इसको Bellerophon, Bellerophon, this part is मतलब it is not conic spiral, it's a plane spiral। मैं आपको बता रहा था, there are few examples which are exceptions in gastropoda which do not show conic spiral quality, so they show plane spiral, इसलिए discoidal, ये है ना, disc like, ये देखिए, आप सोच रहे disc कौन से मिलेगा, तो disc like, right? So you noted out the examples, आगे चले? P-U-P-A, pupa, इस genus name, pupae form, अगर आपको याद हो पुराने जमाने में ऐसे करके cylinders हुआ करते थे जिसमें चीजों को store किया जाता था, pupa, उसको बोलते हैं ना pupae form, pupa, pipe का क्यों बनता है? ऐसा उसका structure कैसा होता है? Right, pupa, वही, P-U-P-A, टॉर्शन जो है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू, टॉर्शन इज बेसिकली रिलेटेड टू जूलॉजी, बट थोड़ा बहुत इसमें हम उसको देख सकते हैं। अब एक किचन में पेज थी, सिंपल सा रफ पेज है किसी के पास? आई डोंट नो, इट्स जस्ट इज एनीबॉडी हैव योर पेज? हां, ओके, इमेजिन that this is a gastropod animal with its body plan. This is either mouth hai, ye anterior side mein jayega, either anus hai, ye posterior side.
normal body plan, यही better था ना कि anal opening is away from the mouth, right? इससे फायदा क्या होगा कि the foul water or the waste product going out of anus will not come in the direction of mouth. But now torsion has occurred and the anus, the torsion has occurred. Torsion जो है वो बहुत early stage में शुरू हो जाता है of the gastropod animal. जब ये torsion हुआ, see the pre-rotation exogastric. What is the meaning of this word? Exo मतलब पेट जो है बाहर की तरफ है. और post rotation endogastric. Now this has come inside the shell, endogastric. So see how the shell or the conch has changed. दिख रहा है ना? So colleague देखिए कैसे बदल गया. तो जब ऐसा हुआ and the anus has come over the mouth. Now उसका नुकसान क्या है? इसका जो जो waste product है, it will definitely come through mouth inside the body. There have been reports of several gastropods dying because of ingesting foul water, toxicity. एक तो ये इसका डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है इसका? अगर ये मान लीजिए ये शेल ऐसा है, ओके, the animal is this way, the animal is this way, and it is moving. A predator can come, pull it. But when it has done the torsion, so now it can easily go inside this and cover the shell. Now, where is the animal? Gone inside, right? It's not that the evolution which is happening will be for no reason. ऐसा नहीं हो सकता. Evolution अगर हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा. We can possibly guess कि जब ये torsion नहीं था, तो ये एनिमल का शेल इतना भारी था, it was a slow moving, नहीं जा पाता था, predator था, खींच लिया इसको. People can eat this. आप लोगों को देखा है Discovery Channel पे क्या Bear Grylls का Man and Wild, वो तो कुछ भी खा लेता है. But if this cannot move very fast, लेकिन ये torsion करके अपना body को इसने इसके अंदर घुसा लिया. आप कभी जाइए, आप लोगों को देखा होगा, have you ever seen small gastropod on beaches, वो immediately फट से कैसे burrow कर लेते हैं. Similarly, अगर वो बहुत बड़ा gastropod है, तो वो torsion करके अंदर चला गया और यहां पर आकर के operculum ने बंद कर दिया. फिर आप खोलते रहो, it's not going to open. इसीलिए if you have to eat a gastropod, you have to put this on fire and it will crack open. तब फिर वो animal बाहर निकलता, then you can eat it. Understood? Torsion. तो torsion जो था, it was partly advantageous and partly disadvantageous. We do not know why it actually happened. But हुआ क्या? कि the anus came over mouth. As a result, the body, it easily fit inside the समझ में आ गई बात? Alright. So, talking about the geological evolution, the gastropods, they do not make very good index fossils. They are not very good indicators of biozones. You cannot use them easily because of their extremely long stratigraphic range. ठीक है? इनका रेंज बहुत लंबा है. So they do not serve the purpose of acting as the index fossil. Biostratigraphic में use नहीं करते. But when we have to study the paleo environment or things related to that, gastropoda can be used. Now a few important facts. What was the feeding organ of a brachiopoda? Loaf of food. Remember, in gastropods, the feeding organ is called as radula. And for that matter, in molluscans, radula is the feeding organ. How does radula look like? Radula looks like this. It's a tongue-like structure. जिसमें there are several of these spine-like shape,
So the gastropod, it is a detritus feeder and it scrapes out the material. ये खुरच करके बाहर निकलता because of radula. डिपॉजिट देखिए गैस्ट्रोपॉड्स कैन बी फिल्टर फीडर्स. अब फिल्टर फीडर कौन से होंगे? जो सेसाइल है फिल्टर है, खा लिया उसको. अगर ये गैस्ट्रोपोडा मूव कर रहा कहीं पर, खाना जमा है इसमें घुस गया, खा लिया. अगर गैस्ट्रोपोडा जो है वो बरोइंग गैस्ट्रोपोडा है तो ये नॉर्मली जो है फिल्टर फीडिंग करेगा, है ना. तो ये सब हैबिट्स डिपेंड करती है उसका अपना लाइफ स्टाइल. सो रेडुला इज द फीडिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ गैस्ट्रोपोड फॉर दैट मैटर सेफलोपोड्स. ये दूसरी चीज मैंने आपको भी बार बार बताया अबाउट फाइसा. फाइसा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जीनस ऑफ गैस्ट्रोपोड्स. फाइसा सिस्टल कॉइल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डेक्सटल कॉइल जो है गैस्ट्रोपोड. 90% ऑफ गैस्ट्रोपोड्स आर डेक्सटली कॉइल. ओनली सम फिशल ओनली जॉइंट पार्ट हां जॉइंट पार्ट फाइसा एंड फाइसा एंड टेनोरबिस, राइट. फाइसा क्यों इंपॉर्टेंट है? फाइसा इट इज द इंडिकेटर ऑफ इंटरट्रेपियन बेड्स. इंटरट्रेपियन डेकन ट्रैप के बारे में पढ़ा है ना. इंटरट्रेपियन मतलब दो लावा फ्लोस के बीच में एक सेडिमेंट का लेयर है, फाइसा उधर मिलता है. गुगवा फॉसिल पार्क में कभी आप अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर उसके म्यूजियम में जाइए, यू विल फाइंड अ फाइसा बेड. एक बड़ा सा रॉक उधर म्यूजियम में रखा है जिसमें ढेर सारे फाइसा एम्बेडेड है. दे हैव बीन टेकन फ्रॉम द डेकन ट्रैप्स एक्सपोज्ड हियर. फाइसा बुलिनस स्पीशीज इज बुलिनस. BULINAS. फाइसा बुलिनस. सो फाइसा बुलिनस इज अ स्पीशीज विच इज इंडिकेटर ऑफ इंटरट्रेपियन बेड्स. ठीक है सर, वो इंडेक्स पॉसिबल है. यस इट इज एन इंडेक्स पॉसिबल. फाइसा बुलिनस इंडिकेटर ऑफ गैस्ट्रोपोडा. मैंने यही बोला था कि गैस्ट्रोपोडा ट्रोकोस नाम होता है बट एक्सेप्शंस आर देयर इंडेक्स पॉसिबल. सो दिस फाइसा बुलिनस इट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इंटरट्रेपियन बेड्स. इट हैज गॉट, इसी से पहचानते हैं इसको, इसकी लो ट्रोकोस्पाइरल एंड सिनिस्ट्रल कॉइल. ठीक है, शुड रिमेंबर विच गैस्ट्रोपॉड फॉसिल इज इंडिकेटर ऑफ इंटरट्रेपियन बेड्स. आंसर विल बी फाइसा बुलिनस.